हेलो गाइस, माय नेम इज ओम प्रकाश वेस्ट्रो, इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो आप हमारे कुछ पिछले वाले सेशन में देखे होंगे, और अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल में जाइए और विटामिनों के बारे में सर्च कीजिए, ताकि आपको किस विटामिन की कमी से क्या समस्या हो सकती है या हो रही होगी, अब उसके बारे में जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी को कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए और हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या भूमिका है। आप नॉर्मल खाना खाते हैं ना, नॉर्मल खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें कैलोरी होता है, फैट होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापा अधिक मात्रा में बढ़ती है, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों का भोजन है। आप नॉर्मल खाना खा के अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन आप अपने मसल्स को स्वस्थ सिर्फ प्रोटीन देकर ही रख सकते हैं। आपको प्रति केजी, आपका अगर शरीर 100 केजी है तो आपको 100 से 110 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए, प्रतिदिन। अगर आप प्रोटीन की मात्रा को पूरी तरह आपकी बॉडी को नहीं दे रहे हैं, तो आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप 110% मोटापे की ओर जाएंगे। और अगर आप मोटा हो भी गए होंगे, उसका मुख्य कारण है आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीका से प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाई है। आप जरूर खाना खाते हैं, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी को प्रोटीन नहीं दे पा रहे हैं। यही बस कारण है आपके मोटापे का मुख्य कारण, क्योंकि आपके पेट को, आपके शरीर को जरूर भोजन मिल रहा है, लेकिन आपके मांसपेशी को भोजन नहीं मिल पा रहा है, और उसी के कारण आपके बॉडी में बहुत ज्यादा रूप में बेली फैट जा रहा है, मतलब फैटी एसिड जा रहा है, और उसी की वजह से आपके पेट लटकना चालू हो जा रहा है, पेट बढ़ जा रहा है, आपका वजन बढ़ जा रहा है। तो ये सब चीज छोटी छोटी चीज जो होती है ना, जो हम इग्नोर करते हैं, पता है, और इस चीज को हम जिंदगी भर इग्नोर करते रहेंगे ना, तो हम जिंदगी भर बीमार ही रहेंगे। मैं पिछले वाले सेशन में भी बात किया था कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं। आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं, हमारे बीमार होने का मुख्य कारण क्या है। हमारे बीमार होने का मुख्य कारण बस हमारा खाना ही है। हमको नॉलेज नहीं होती है हम क्या खाना खा रहे हैं, और वही बस कारण है जो हमको बीमार कर रही है। हमको बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, गैस, एसिडिटी की समस्याएं, घुटने की दर्द, जोड़ों की दर्द, सर चक्राना, स्किन में बहुत सारा पिंपल्स, कील, मुहासे, दुनिया भर का आल कुछ भी चीज आपके बॉडी में हो रहा है ना, तो वो आपके गलत लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है। मैं बता रहा हूं, अगर आपका स्किन थोड़ा सा भी ऑली ऑली रहता है, किल मुहासे निकल रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप प्रॉपर तरीके से ना जो फैट वाली चीज है, तली भुनी चीज है, वो सब चीज खाना बंद कर दीजिए। एक हफ्ते खाना बंद कर दीजिए तली भुनी मैदा वाली चीज, सफेद नमक वाला, मीठा, शक्कर से बनी हुई चीजें को खाना बंद कर दीजिए, ठीक है। ओनली हेल्दी फूड खाइए, ठीक है, नेचुरल, जो एकदम से कम कैलोरी वाली चीज खाइए, मतलब फल फ्रूट खाइए, ठीक है, तो जो तुरंत आपको डाइजेस्ट हो जाए, ऐसी आप खाना चालू करेंगे ना, तो आपकी शक्ल में अलग से निखार नजर आएगा। अब इस चीज को मैं खुद अजमाया हूं, इस चीज को मैं ये बताऊंगा कि मेरे फेस कट में इतना पिंपल था कि मैं परेशान हो जाता था, पता है, परेशान जिसको बोलते हैं, आए दिन कुछ न कुछ कील मुहासे मेरे फेस कट में निकलता ही था। लेकिन मैं अपने बॉडी में अच्छा खाना डालना चालू कर दिया, मेरे को नॉलेज मिला मेरे कोच के माध्यम से, और उन्हीं कोच के गाइडेंस से मैं अपने खाने पीने में बदलाव आया, तो मेरे स्किन में भी बदलाव आया, मेरे बॉडी में भी बदलाव आया, और आज मैं अगर स्वस्थ हूँ, फिट हूँ और आपके सामने बोल पा रहा हूँ, उसका मुख्य कारण है मैं अपने खाने पीने में बदलाव आया हूँ। और बस मेरा मकसद भी वही है कि मैं आपको भी मेरे जैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय
कराना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे से आज ही संपर्क कीजिए कि मैं कौन सा खाना खाया हूँ जिसके वजह से मैं आपके सामने आज अच्छा खासा जानकारी दे पा रहा हूँ, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।